हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक। नमस्कार, आज मेरा साथ गुजरात में अहमदाबाद शहर से जोड़ रहा है वकील आनंद वर्धन याग्निक। वो सिर्फ वकील नहीं है, सिर्फ एडवोकेट नहीं है, एक तरह से मैं कहता हूँ सामाजिक कार्यकर्ता भी है। हमारा पहला अंश में हमने उनसे पूछा क्यों आज गुजरात में इतने कोरोना के केसेस है, प्रशासन क्यों इतने कमजोर हो गए। आज मैं उनसे शुरू कर रहा हूं, ये सेकेंड पार्ट है हमारा इंटरव्यू का, एक सवाल शुरू कर रहा हूं सूरत के बाद। अनंत जी, हम सब लोग जानते हैं सूरत का जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी मजदूर आते हैं, वो डायमंड इंडस्ट्री, डायमंड कटिंग, जो जो हीरे को तैयार करने के लिए, सोने के से जो गहना, जो ज्वेलरी आप बनाएंगे। फिर सिर्फ डायमंड कटिंग नहीं है, ये टेक्सटाइल से कपड़े बनाने का बहुत बड़ा एक जगह है, और वहां पे ज्यादा दूर नहीं हजीरा पोर्ट भी है, हजीरा बंदर है, वहां पे 12 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अलग अलग जगह से आए हैं। सूरत में हम देख रहे हजारों मजदूर सड़क में निकल गए हैं, बोले हम घर वापस जाने चाहते हैं, हमारा यहां पे हम काम नहीं करने चाहते हैं। पुलिस वालों से झगड़ा हुई है, लाठी चार्ज हुई है, सब लोग वापस जाने चाहते हैं। आपको याद है कि 1994 साल में सूरत में एक बहुत बड़ा एक महामारी हुई थी, प्लेग ऑफ सूरत। उसके बाद प्रशासन बोला एकदम शहर हम साफ कर दिया, सूरत जैसे जगह है वहां पे एकदम सारे It was sanitized. यही लोग कहा 94 के बाद, मैं कर रहा हूं आज नहीं, 94 का बात कर रहा हूं। तो आज सूरत में ये स्थिति क्यों हुई है? सूरत में कुछ 4-5 इंडस्ट्रीज हैं। हजीरा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहां पे रिलायंस है, ONGC है, क्रिप्को है, SR है, शेल है, अदानी है, और काफी सारे मल्टीनेशनल्स हैं। हाउएवर दे फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नो इंडस्ट्रीज, नॉट एन इनफॉर्मल नो सेक्टर। हजीरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल जो पूरा एरिया है वहां पे करीबन 1.5 लाख से ज्यादा मजदूर हैं। उसके अलावा सूरत में डायमंड इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री को छोड़ के सूरत में टेक्सटाइल एंड वीविंग इंडस्ट्री है, मुझे सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैं। सूरत में डायमंड इंडस्ट्री में कम से कम 4 लाख से ज्यादा मजदूर हैं, और उसमें से 1.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं। जहां तक टेक्सटाइल और वीविंग का है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी से लेके सब कोई सेक्शंस आ जाते हैं, प्लीज रिमेम्बर कि कम से कम ये टेक्सटाइल और जो पावर लूम्स हैं उसमें करीबन 12.5 से 15 लोग काम करते हैं। और सूरत सेंटर फॉर सोशल स्टडीज PUCL एंड मेनी अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट मोर देन मेनी इयर्स एंड डिकेड्स। PUCL का मतलब है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कई क्षेत्र में काम करता है। गुजरात खेडूत समाज, जो गुजरात का सबसे बड़ा फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे बुलेट ट्रेन हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, या भारत माला हो, लैंड एक्विजिशन में किसानों के लिए सारे गुजरात में लड़ता है। ये लोग सबसे बात करने के बाद पता चला कि आज सूरत में कम से कम टेक्सटाइल एंड पावरलूम सेक्टर के अंदर 7.5 से 8 लाख इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और बाकी के राज्यों से हैं। आज इसलिए ये सूरत में जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो आवाज उठा रहे हैं और वो रोटी मांग रहे हैं, वो पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, वो हिंदुस्तान के जनता को कह रहे हैं कि आप हमारी ओर देखो, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास जाने के लिए कोई व्यवस्था है, आपने हमको यहाँ पे कैदी बना के रखा है कोरोना के नाम पे,
तो हम लोग कोरोना के कैदी हैं, और ये कोरोना के कैदी हैं वो जेल में नहीं है, ये हिंदुस्तान की खुली हुई जेल के अंदर कोरोना के कैदी हैं, वो भारत के नागरिक हैं, और संविधान का वस्त्रहरण जो हो रहा है और इन लोगों को भूखा हो रखा रहा है, इनको ना दवाई दे रहे हैं, ना खाना मिल रहा है, ना इनको जाने का कोई परमिशन है, इसलिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। ये लोग आप जानते हैं पिछले 3-4 दशक से कभी सूरत के अंदर टेक्सटाइल वर्कर्स, पावर लूम वर्कर्स ने कभी भी उनकी कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में कोई स्ट्राइक नहीं किया, ना कभी वो लड़े हैं, देयर हैज नेवर बीन अ वायलेंट प्रोटेस्ट। लेकिन आपको 4 वजह बता देते हैं। पहला तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कोरोना में लॉकडाउन होने के 47 दिन के बाद पहली दफा अच्छी तरह से कल बोला, तो इतने सारे लाखों की तादाद में सड़कों पर मरते हुए हिंदुस्तान के अन्य राज्य के जो मजदूर हैं उनको आपने देखा नहीं। शहर दुनिया और शहर हिंदुस्तान तो वो चलाते हैं, आपका कूड़ा, आपका कचरा और उनका पसीना बहा के आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ और गुजरात मॉडल जिससे नरेंद्र मोदी सत्ता पे गए हैं, वो गुजरात मॉडल का अगर कोई फाउंडेशन है तो ये प्रवासी मजदूर हैं, और ये प्रवासी मजदूर क्योंकि भूखे हैं और कोरोना की भूखमरी का वो विक्टिम है, इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। द फर्स्ट थिंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पोक अबाउट बीइंग कंसर्न अबाउट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स आफ्टर 47 डेज ऑफ लॉकडाउन, एंड देयर इज लेट मी फाइंड अ कॉमनलिटी that when the lynching was happening across the country in the name of cow flesh, तो ये जो cow vigilance थे वो हिंदुस्तान के अंदर गौ हत्या के नाम पे सरेआम रास्तों पर लोगों की हत्या कर रहे थे, खास करके मुसलमानों की हत्या कर रहे थे, तब 6 महीना लगाया उन्होंने इन लोगों के बारे में बोलने में, और गांधी आश्रम में आए, जब गुजरात में शासन पे थे तब गांधी आश्रम जाने का कभी सोचा नहीं था उन्होंने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का तो एक कैरेक्टर होना चाहिए, तब वो कैरेक्टर प्राप्त करने के लिए अब गांधी आश्रम में बार बार आते हैं, लोगों को भी और ट्रंप को भी लेके आते हैं, तभी उन्होंने बोला। तो अगर 50-50 लोग सरेआम हिंदुस्तान पे इन एब्जेक्ट वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस आर बीइंग लिंच्ड इन द नेम ऑफ काऊ हत्या, गाय की हत्या के नाम पे मारे जाते हैं, तब अगर जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला तो आज भी 47 दिन के बाद बोला, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक दूसरी बात कि 24 को आपने लॉकडाउन जाहिर किया, 24 मार्च को आपने लॉकडाउन जाहिर किया, ठीक है, 1 महीना पूरा नहीं हुआ था, तो पावरलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर 7.5 से 8 लाख माइग्रेंट वर्कर्स आज भी है, धीरे धीरे जाने का शुरू हुआ थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, दे अल्टीमेटली स्टार्टेड दिस एक्शन ऑफ सेंडिंग देम बाय स्टार्टिंग ट्रेन, लेकिन उसमें भी समस्या है, हम आपको बता रहे हैं। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट रोक रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो संवाददाता है आप उनको पहचानते हैं दमयंती धर, उनका रिपोर्ट मैंने देखा, गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का राजेश वर्मा, अजीत राजपूत, राजेश वर्मा का खिलाफ आज एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लॉन्च किया। क्या आरोप है, ये वीडियोस हम देख रहे हैं, ये प्रवासी मजदूर को 500 रुपया का टिकट के लिए वो 2000 रुपया मांग रहे हैं, और मैं क्या बताऊं, इस महामारी के समय आप मुनाफा कमाने चाहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुनाफा आप कमाने चाहते हैं, इनके पसीना से आप कमाने चाहते हैं, यही हमें लग रहा है। ये लोग आश्चर्य हो गए कि ऐसा सी हो सकता है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको बता दें 24 मार्च को जब आपने लॉकडाउन जाहिर किया, जब 1 अप्रैल के बाद में ये 12 से 15 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स ने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर में, चाहे डायमंड हो, टेक्सटाइल हो, पावरलूम्स हो, अपने मालिकों से जब पैसा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, कहा आपने पूरा महीना काम ही कहाँ किया है तो आपको तनख्वाह दी जाए। एक, आपने लॉकडाउन कर दिया था तो इनके पास जो पैसे थे उठाने के लिए बैंक में ना ATM सेंटर में वो जा पाए। दो, इनके पैसे काफी उनके कॉन्ट्रैक्टर के पास और काफी एम्प्लॉयर्स के पास थे, वो भी पैसे उन्होंने नहीं ले दे पाए। उसके बाद में आपने लॉकडाउन जाहिर कर दिया, सो दे कांट फिजिकली मूव फ्रॉम वर दे आर। इनकी समस्या क्या है कि 10x10 या 10x15 की छोटी सी खोली में, स्लम्स में, क्योंकि आपने
अर्बन हाउसिंग का काम तो हिंदुस्तान में और सूरत में किया नहीं है, ठीक है, ये लोग स्लम्स में रहते हैं। द स्टडी सेज मोर देन 400 स्लम्स आर देयर व्हिच हैव कम अप पर्टिकुलरली आफ्टर प्लेग दैट हैपेंड इन नो सूरत, और ये क्लस्टर्स में रहते हैं। 94 प्लेग, हाँ, इसमें रहते हैं। बाद आपने कहा कि साफ हो गया आपका, आपने कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पसीना बहाता है और हिंदुस्तान को चलाता है उसको झुग्गी और झोपड़ी में रहने के अलावा ये गुजरात मॉडल के पास और कुछ देने को नहीं है। सुनिए आप मेरी बात। उसके बाद में जब खाने का बात हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गुजरात सरकार खाना खिलाएगी। इनको क्या दिया? इनको 3 kg राइस दिया, उनको 1 या 2 kg गेहूं दिए। इन लोगों ने प्रार्थना की कि भाई ये गेहूं जब चक्कियां बंद हो चुकी हैं तो आप हमको गेहूं को आटा दो, ये गेहूं का क्या करेंगे। और गुजरात हाईकोर्ट में जब माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में पिटिशन की गई, मैं ही था, तो गुजरात हाईकोर्ट से एक आवाज निकली और बड़ी दुख की बात है कि न्यायतंत्र से ये आवाज निकली कि हम अभी गेहूं के दाने मिले या गेहूं का आटा मिले उसके बारे में हम नहीं जा सकते। अगर आपके पास गेहूं है तो घर पे जाके पत्थर से तोड़ के उसमें जो भी होता है खा लीजिए। अगर न्यायतंत्र का अगर यही जवाब होता है गुजरात हाईकोर्ट का, तो आप सोच सकते हैं कि जब बाबूशाही एग्जीक्यूटिव इज फेलिंग, जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दोज हु आर हंग्री पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो आप क्या करोगे। दूसरी बात कह रहे हैं कि वर्कर्स ने ये कहा कि भाई हमको जो खाना दे रहे हैं अभी आप, अभी जो आपने खाना देना शुरू किया है, ये बीजेपी के एमपी, एमएलए और कॉर्पोरेटर्स से जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस वालों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत का भी एक किचन चलता है और जो खाना दिया जाता था वो कुत्ते भी नहीं खाते थे। वीडियो क्लिपिंग्स भेजी गई कि सर ये खाना अभी हमको दिया 5 मिनट पहले, देखो ये कुत्ते को खिलाते हैं, कुत्ता अगर खाएगा तो हम खाएंगे, कुत्ता भी नहीं खाता। तो गुजरात हाईकोर्ट को और गुजरात सरकार को ये कहा गया कि एज फार एज द फूड दैट यू हैव स्टार्टेड गिविंग अस नाउ, द वर्कर्स आर कैटेगोरिकली सेइंग दैट द क्वांटिटी ऑफ फूड इज एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट एंड द क्वालिटी इज एप्सिमल। इसलिए आपने हमको लॉकडाउन में रखा है, आप हमको ना हमारी कमाई लेने देते हैं, ना ये मालिक हमको हमारी मजदूरी देते हैं, ना बैंक में जा सकते हैं, ना एटीएम में जा सकते हैं, कोई खाना नहीं चल रहा, कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रही, ना कोई दावा चल रहा है, और आप हमको भूखे रख रहे हैं। दूसरी बात हेल्थ हाइजीन की बात है, इन्होंने कहा कि सर आप ये फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग की बात रख रहे हैं, हम 10x10 की खोली के अंदर 20 मजदूर रहते हैं, 10 रात को सोते हैं, 10 दिन को सोते हैं, क्योंकि उनकी शिफ्ट अलग है। अब 20 लोग इकट्ठे हो गए हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करें। और तीसरी बात कि गुहा जी ये हिंदुस्तान ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आर एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव द फैक्ट कि आज सूरत के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा चाइल्ड वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबरर्स हैं, और 1.5 लाख के करीब वीमेन लेबर वर्कर्स हैं हु आर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स पर्टिकुलरली इन द एम्ब्रॉयडरी सेक्टर। आप 1 से 1.5 लाख बच्चे बाल मजदूर हैं, आप 1.5 लाख के करीब औरतें हैं मजदूर, उसको छोड़ के 7 से 10 लाख और है मर्द मजदूर, क्या करोगे। मैं रोक 12 से 18 साल की उम्र के मजदूर हैं। मैं आपको रोक रहा हूं एक बार, आप जिस लोगों के बारे में कह रहे हैं इन लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर असंगठित क्षेत्र में है। आप देखिए जो संगठित क्षेत्र में है, आज गुजरात सरकार कह रहे हैं जितने लेबर लॉज है, जितने श्रमिकों के लिए जितने कानून है, हम कुछ महीनों के लिए कुछ दिनों के लिए हम बंद कर रहे हैं। और गुजरात अलग नहीं है, उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, और भी राज्य में ऐसे हो रहा है, मेजर रिलैक्सेशन ऑफ लेबर लॉज। और आपका गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने ट्वीट किया कि बहुत सारे कंपनियां है अमेरिका से, जापान से, दक्षिण कोरिया से, वो चीन छोड़ के आज भारतवर्ष में आएंगे, और उनकी उम्मीद है कि ये इसमें सारे कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, वो जो गुजरात में आएंगे और राज्य सरकार उनके लिए अलग अलग सुविधा देंगे। और एक है इसमें एक अध्यादेश है, एक ऑर्डिनेंस है,
जो ऑल न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेबर लॉज, यानी कि विदेश से जो निवेश करेंगे ये नया जो उद्योग में, उसका कोई जो श्रम कानून के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। इस विषय के ऊपर आप संक्षिप्त में जवाब दीजिए। देखिए, व्हेन नरेंद्र मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, he you know during one of the vibrant Gujarat sessions unequivocally stated that entire state of Gujarat is a special economic zone. And what is the definition of special economic zone? 2005 act given by Congress government, it is a deemed foreign territory, and special economic zone is a zone where labor laws are not applicable. Therefore, I am not very surprised when the state of Gujarat, in the name of attracting industries based in China to come to Gujarat and other parts of the India, would make announcement of relaxation of labor laws. Iska matlab ye ki mazdoor ko maro, usse pehle mazdoor ke pasine se kama lo, chahe videshi kama ke jaye ya desh mein kama ke jaye, lekin mazdoor ka paisa, mazdoor ke pasine se paisa kamao और फिर मजदूर को मरने दो। इसके अलावा कोई फिलोसॉफी हो नहीं सकती। लेकिन मेरा इससे पहले का जो आपका सवाल था, उसमें तीन बातें आपको बतानी है। गुजरात में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को जब उन अपने राज्यों में भेजना शुरू किया तो क्या हुआ? आप 2000 रुपए का हमें एक एग्जांपल दे रहे थे। सबसे पहले तो सूरत के अंदर इन्होंने ट्रेन नहीं चलाई, और जो गुजरात सरकार के पास कम से कम 15,000 से 20,000 स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस है, तो हम लोग ने हाथ जोड़ के विनती की कि आप ये स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की इतनी सारी बसेस हैं, जिसमें से आपने कम से कम 10,000 बसेस, तो ट्रंप जब आए 24 फरवरी को, तो लाखों लोगों को अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में लाने के लिए मुफ्त में इस्तेमाल किया था, आप वो 10,000 से 15,000 बसेस हैं और इनके जो बस ड्राइवर, कंडक्टर्स और ड्राइवर्स हैं, उनको मुफ्त में सैलरी मिल रही है क्योंकि सरकारी कर्मचारी है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। तो आज भी सिर्फ गुजरात की बॉर्डर्स तक या रेलवे स्टेशन तक भेजने के लिए स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में CR पाटिल करके MLA जो MP है सूरत के पास नवसारी का, और ये गवर्नमेंट और BJP का पार्टी इनिशिएटिव को इकट्ठा कर दिया, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मेक्स एन अनाउंसमेंट, कहता है कि आप मेरे घर पे आई के रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन हजारों की तादाद में लोगों ने आने, मजदूरों ने आके शुरू किया, और एक एक दो लाख रुपए की लग्जरी बसेस करके इनको अपने राज्यों में भेजा। भाई, आप ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट में सेक्शन 14 एंड जो 15 है वो ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में एंड अदर अलाउंसेस के बारे में बोलती है, और ये कानून मेरे पास है, और ये कानून के अंदर सेक्शन 14 के अंदर डिस्प्लेसमेंट अलाउंस एंड सेक्शन 15 में जर्नी अलाउंस इज स्टेटेड, एंड वे बैक व्हेन द एशियाड केस हैपेंड फाइल्ड बाय एन PUDR इन 1982 एक्सप्रेसिंग ग्रीवेंसेस अबाउट 60,000 माइग्रेंट वर्कर्स इन्वॉल्वड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तभी जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भगवती ने जजमेंट दिया, वेरी फेमस जजमेंट, तब उन्होंने कहा था कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में इनके ट्रैवलिंग अलाउंस और बाकी का इनका जो अलाउंस है, जर्नी अलाउंस, वो देने का आपका फर्ज है। दैट वाज इन 1982 एशियाड। वी आर इन 2020। द सिचुएशन हैजंट चेंज्ड। नाइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर स्टेट ऑफ गुजरात हैज डिमांडेड दिस मनी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ओनर्स ऑफ द पावर लूम्स ऑफ द डायमंड फैक्ट्रीज of textile mills or even the constructors, the construction sector ke andar jo builders hai unke paas, nor the state of Gujarat is saying. Dusri baat ki ye log dusron se udhar leke jaate hain. Train ke bare mein kaha ki hum train ka paisa nahi lenge, shuruaat mein jitni train gayi usme paisa lete hain, aur in log ke paas ticket hai, unke paas paisa dene ka proof hai. Dusra, aaj bhi keh rahe hain ki bhai aap ye luxury buses private kyun chala rahe hain? The workers are compelled to pay thousands of rupees. ये 2000 रुपए का जो एग्जाम्पल आपने दिया, that is the cheapest source of exploitation. An example. उससे ज्यादा कहीं ज्यादा है सर। तो ट्रेन में भी पैसा लेते हैं, और
ये लोग लग्जरी बस चलाते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ना उड़ीसा ना मध्य प्रदेश ना उत्तर प्रदेश ना बिहार भेज रहे हैं, क्यों भाई? सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डू नॉट वॉन्ट कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली टू ब्रिंग sort of responsibility upon that respective employers. Choti si baat keh rahe hain before I end. Every interstate migrant worker is supposed to have a passbook. Every contractor who engages him in a state of Gujarat is supposed to have a license. And every employer, textile loom and textile factory or power loom factory or a diamond factory or even a builder, he's supposed to have a registration. दुख की बात यह है कि द लेबर लॉ विथ रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, विथ रिगार्ड टू फैक्ट्रीज एक्ट, विथ रिगार्ड टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आर एब्सोल्युटली नॉन स्टार्टर. ओके, लेबर कमिश्नर के पास कोई डिटेल नहीं है और ये लॉस का कोई इंप्लीमेंट हो नहीं रहा है. सो ये बाकी की बात छोड़े, विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में लाने के बारे में आप बाद में सोचोगे, पहले जो हिंदुस्तान के नागरिक यहाँ भूखे मर रहे हैं उनको अपने देश भेजो. क्योंकि तो आज का सूरत का मजदूर जो इंटरस्टेट वो कह रहे हैं अब तो सोने में भी अगर आप पैसा हमारी तनख्वाह दोगे नहीं चाहिए. वी वॉन्ट सिक्योरिटी, वी वॉन्ट नो इमोशनल वॉर्म्थ एंड वी वॉन्ट टू गो बैक टू अवर होम. हर जिला में जहां पे खनन हो रहा है वहां के जो लोग खनन के लिए जिसके लिए मदद के लिए उनका रिहैबिलिटेशन के लिए उनके फायदा के लिए एक फंड है, एक फाउंडेशन है. अब 17 अप्रैल भारतवर्ष का वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि ये जो पैसा है हर जिला में है, हर राज्य में है, ये आप और किसी कारण के लिए भी खर्च करता है. आपने लिखा, द डायरेक्शन बाय द सेंटर टू द स्टेट्स परमिटिंग द डाइवर्जन ऑफ सच स्पेशल फंड्स स्पेसिफिकली मेंट फॉर अ टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन अगेन ब्रिंग्स टू द फोर द इश्यूज सराउंडिंग द लेजिटिमेसी एंड प्रोप्राइटी ऑफ सच अ मूव बाय द एग्जीक्यूटिव. आपका कहना है इसके पीछे क्या युक्ति है? ये कोई विशेष कारण के लिए ये पैसा अलग रखा था, जो खनन हो रहा है, जहां पे खनन हो रहा है वहां पे जो लोग प्रभावित हो रहे उनके लिए है, तो ये आपका कहना है ये होना नहीं चाहिए था. इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए. देखिए गोहा जी, 26 मार्च को भारत के वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट किया और कहा कि 30% ऑफ फंड दैट इज मेंट फॉर दोज हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट and 30% to the amount meant for construction workers under RERA and so on and so forth can be utilized subject to certain conditions to meet with the contingency of corona. Iska matlab ye ki agar corona se us area ke andar koi bhi agar vyakti pareshan hua ya fir affected hua to aap iska paisa istemal kar lo. Do baat hai कि 2015 में आपने ये माइंस और मिनरल्स के कानून में परिवर्तन लाया और ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया के अंदर माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है, वहां पे द पॉपुलेशन इज नॉट ओनली इंडिविजुअली अफेक्टेड बट इज कलेक्टिवली अफेक्टेड. वहां की स्कूल, वहां के तालाब, वहां के गौचर लैंड, ग्रेजिंग लैंड और काफी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर अफेक्टेड. देयरफॉर फॉर द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ यू नो कॉम्पनसेटिंग यू नो दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज अफेक्टेड कलेक्टिवली बाय माइनिंग एंड आई वुड से इट्स अ कलेक्टिव कॉम्पनसेशन टूवर्ड्स यू नो दोज हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग. अब ये स्टैट्यूटरी फंड्स हैं. दूसरा, द स्टैट्यूट कंपेल्स दोज हु आर एंगेज्ड इन माइनिंग टू प्रोवाइड 10% फ्रॉम आउट ऑफ द रॉयल्टी गिवन टू द स्टेट एज नो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो भी आप कहते हैं उसके बारे में. अब ये जो पैसा है वो 2015 से 2020 तक हिंदुस्तान में 35-40 हजार करोड़ हो गया.
लेकिन सरकार को आता नहीं है कि इसके बारे में हिंदुस्तान में क्या किया जाए। गुजरात के अंदर वो 4.5-5 हजार करोड़ है, क्योंकि गुजरात तो नरेंद्र मोदी जी के कहने पर पूरा SEZ है, और गुजरात के अंदर तो हमारी जो संस्कृति है सारे हर जगह पर हर गांव में हमें तो इंडस्ट्री लानी है। तो ये 4-5 हजार करोड़ का हमारा जो मिनरल फंड है वो 5 साल से गुजरात की सरकार किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करती, ना कोई उसके लिए योजना है, ना कोई उसके लिए स्कीम है, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे कर दिया, तालाब बना दिया, श्मशान बना दिया। अब तालाब और श्मशान बनाने से द सिचुएशन ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड बाय माइनिंग मे नॉट इम्प्रूव, उनको पर्टिकुलरली एज फार एज द वुमेन एंड चिल्ड्रन आर कंसर्न, उनकी वेलफेयर के लिए जो करना है वो नहीं हो सकता। आपको ये बता रहे हैं कि ये दीज आर स्पेसिफिक फंड्स मेंट फॉर नो मीटिंग विद अ स्टैट्यूटरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, दीज फंड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड अनटिल एंड अनलेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ गुजरात कम टू कंक्लूजन दैट वी डू नॉट हैव फंड्स टू मीट विद द कोरोना क्राइसिस, देन यू कैन यूटिलाइज दिस फंड्स, बट वाइल रिटेनिंग योर फंड्स अनटच्ड व्हाई डू यू वांट टू यूटिलाइज फंड्स विच आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमिंग आउट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इन ऑर्डर टू रियलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और चैप्टर 3 को रियलाइज करने के लिए किया जाता है। तो आप एक कोरोना का विक्टिम है जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 60 किलोमीटर दूर है, अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कोरोना से असरग्रस्त हो गया तो माइनिंग का फंड, माइनिंग एरिया जिसके लिए वो कोरोना के विक्टिम को कुछ लेना देना नहीं है, आप पूरा का इस्तेमाल कर दोगे तो आने वाले 10-20 साल में क्या होगा सर, ये सवाल है हमारा। तो आपका युक्ति है कि ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, शायद ये गैर कानूनी भी है, ये असंवैधानिक भी है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और समय बताएंगे आपका कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंचेंगे। मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये है बुलेट ट्रेन के बारे में। ये सब कोरोना महामारी के बारे में लोग कुछ दिनों के लिए भूल ही गए हैं। ये मुंबई में भी आपका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें ये बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, अहमदाबाद टू मुंबई। आप तो आज नहीं, कुछ महीनों से इसका विरोध किया आप, लगभग 1200 आपने याचिका एफिडेविट आपने गुजरात का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में आप इनके खिलाफ किया, जो जो वहां के कृषक है जो जो जिसका भूमि अधिग्रहण किया आपने, आपने कहा कि ये जिस तरह से इनके जमीन लिया है ये गैर कानूनी है, जो LARR है, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। आपका कहना है कि जिस तरह से इनका भूमि अधिग्रहण किया उनका जो मुआवजा होना चाहिए ठीक तरह से नहीं मिला, और इसके खिलाफ भी आज ने आप काफी महीनों से लड़ रहे हैं, और आप ये भी कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मगर सचमुच एक भी स्क्रू भी मेक इन इंडिया नहीं होगा, सारे जापान से आएगा और इसका फायदा जापान को मिलेगा। तो आज ये कोरोना वायरस का महामारी के समय में ये बुलेट ट्रेन के बारे में लोग तो भूल गया, आपका क्या कहना है? कुछ मोदी जी को ये अभी इस समय के लिए ये प्रोजेक्ट स्थगित रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, आपका क्या कहना है? मोदी जी, हम अपने स्वप्न को साकार करने में किसी के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो स्वप्न उनको आता है वो भारत के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मोदी जी ने ये कहा कि ये बुलेट ट्रेन इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। नाउ लेट मी टेल यू that given the political situation we have in India, nobody, no other institutional, including the constitutional institutions, perhaps may come forward to question the viability, legality and propriety of the dream of the Prime Minister of India to realize bullet train project. One, please bear in mind, I am not questioning the power and jurisdiction and authority of either the state of either the High Court of Gujarat or the Supreme Court of India. We have highest regard for the same, and my comment may not be looked from that perspective. देखिए, bullet train में
होना चाहिए ना ही होना चाहिए, उस इशू के अंदर हम नहीं जा रहे। ये जो गुजरात के अंदर 5 से 10 हजार किसान इससे जो प्रभावित हैं, उनका क्या कहना था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1890 कॉलोनियल लेजिस्लेशन बिल हिंदुस्तान में 1950 से 2012 तक आपने करीबन 7 करोड़ किसानों की जमीन पब्लिक पर्पस के नाम पे सारे हिंदुस्तान में ले ली इन पार्लियामेंट एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट इन मेनी डिस्कशंस इट हैज बीन नाउ एक्सेप्टेड दैट द माइग्रेशन ऑफ रूरल इंडिया टुवर्ड्स द अर्बन इंडिया द सुसाइड्स अमंग द फार्मर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ पब्लिक पर्पस। और ये किसानों का एक दो ही बात कहना है कि आपने गुजरात में एक्सप्रेस हाईवे बनाया हमारी जमीन लेके, लेकिन हमारे पास कार ही नहीं है तो एक एक्सप्रेस हाईवे का पब्लिक पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, हम भी पब्लिक आए। आपने एयरपोर्ट बनाए उस एयरपोर्ट के अंदर हम जा नहीं सकते। आपने हॉस्पिटल्स बनाए उसमें डॉक्टर नहीं है। आप अभी बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बुलेट ट्रेन में जाने का हमारे पास पैसा नहीं है, तो जमीन आप हमारी ले रहे हो पब्लिक पर्पस के नाम पे। वी आर पब्लिक बट दैट पर्पस कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय अस। एक ये बात है। दूसरी बात कह रहे हैं उनका ये कहना है कि द न्यू एक्ट सेज दैट अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट यू हैव टू कॉम्पनसेट फार्मर्स इन अ मैनर वेयर फार्मर वुड बी एग्रीएबल इन द नेम ऑफ पब्लिक पर्पस टू गिव अप हिज लैंड विद स्माइलिंग फेस एंड द कॉम्पनसेशन शुड बी एडिक्वेट इनफ फॉर अ फार्मर टू परचेज अनदर पीस ऑफ लैंड and remain rooted having already been uprooted from his land in the name of nation national interest. तो आपको इतना ही कहना है कि बुलेट ट्रेन के अंदर अगर आप प्रस्तावित करना चाहते हैं तो implement the new land acquisition act in its true spirit and object. आप पुराने compensation का जो method है नए कानून युग में लागू करते हैं, that's very bad and therefore the farmers say you are not acquiring our land, you are acquiring our life and livelihood, and those Japanese who are involved in the construction of bullet train are responsible, just as they experienced atom bomb in 1944-45. This is an economic bomb on us thrown by the Japanese people. Please save us from the same. Acha Anand ji, मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्टूबर 2018 में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शुरू हो गया। आप और बहुत सारे लोग कहा कि लगभग 75,000 जो आदिवासी हैं उनका भूमि आपने अधिग्रहण किया, और उस समय जो एक बिल बनाया मोदी सरकार ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा मौका मिल रहा है उस इलाका का आदिवासियों के लिए, क्योंकि एक सिर्फ एक स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है और इसके साथ और भी सारे प्रोजेक्ट्स है, कम से कम 30 प्रोजेक्ट है, सब्सिडरी प्रोजेक्ट है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, विश्व वन, जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी, आरोग्य वन, जरवानी इको टूरिज्म, एडवेंचर खलवानी, बहुत सारे ऐसे ऑडिटोरियम है, मॉल है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन पार्क है, मिरर एज है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, एकता फूड कोर्ट है और अलग अलग राज्य का भवन है वहां पे। तो आपने 3,000 करोड़ के आसपास आपने खर्च किया। ये सारे अभी आपने जैसे जिग्नेश मेवानी बोला, ये काला कानून है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहे, लोगों को बोलो और आप पर्यटन के नाम में, टूरिज्म के नाम में, विकास के नाम में ऐसा पैसा खर्च कर रहा है। तो ये महामारी के बाद, ये कोविड के बाद क्या होगा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट? कुछ नहीं होगा महामारी के बाद में, और एक महामारी और आती रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न साकार होते रहेंगे, उसके लिए हिंदुस्तान का पैसा इस्तेमाल होता रहेगा, चाहे आदिवासी का जो भी होना हो, चाहे आम लोगों का, किसानों का जो भी होना हो, किसान मरे ना मरे, मजदूर अपने पसीने और कोरोना जो की जेल है उसमें मरे ना मरे, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, बुलेट ट्रेन है,
और बाकी के बड़े बड़े ट्रेन आने वाली है, अभी और भी इस वक्त तो चलती रहेंगे। ये आपको और मुझे दोनों को पता है, हम ये 21वीं सदी के अंदर सिर्फ प्रधानमंत्री के स्वप्न के साकार करने के लिए है। आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि इसका क्या होगा, आप एक ही ख्याल रखिए ये सब होंगे। और व्हाई आर यू वरीड अबाउट ट्राइबल सर, द ट्राइबल देमसेल्फ आर सेइंग कि आपको ये बटरफ्लाई पार्क बनाना है, अरे जंगल हमारा है, ये वनस्पति हमारी है, ये प्राणी हमारे हैं, हर रोज जंगल के अंदर देखते हैं ए बटरफ्लाई को, और ये बर्ड्स को, ये अफ्रीकन एनिमल्स को हमारे यहाँ जंगल में है, ये देखना है तो आप हमारे साथ सेंचुरी में आइए, यहाँ पे आपको ये पिंजर बनाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू क्रिएट आर्टिफिशियल ज़ूज। द ट्राइबल्स आर सेइंग दैट दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, वी आर इन शेड्यूल 5 एरिया, दिस बिलोंग्स टू अस। और जैसे महाभारत अभी हम देख रहे हैं, उसमें भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की हाजिरी में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, संविधान का वस्त्रहरण हो रहा है इस शासन काल के अंदर, और ये वस्त्रहरण होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, आदिवासी मरते रहेंगे, इंटरस्टेट मजदूर मरते रहेंगे, और हिंदुस्तान ये गुजरात मॉडल के नाम पे बढ़ता रहेगा। आपका पिताजी अच्युत याग्निक जी जाने माने लेखक है, एक ही इज अ स्कॉलर, ही इज अ सोशल साइंटिस्ट। उन्होंने एक बार ये कहा था कि आप मोहनदास करमचांद महात्मा गांधी को अगर आप उसको, उसके अलावा तीन बड़े लोग थे जो दे वर स्टॉलवर्ड्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, जो भारतवर्ष का जो स्वाधीनता का जो आंदोलन थे, तीन बड़े बड़े लोग थे, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अच्युत याग्निक जी ने ये कहा कि अब एक प्रोसेस शुरू हो गया कि आप नेहरू जी को भूल जाइए, आप एक व्यक्ति के ऊपर आप सबसे ज्यादा आप इसको महत्व बनाइए, और ये है सरदार पटेल। लोग भूल गया कि मोहनदास करमचंद गांधी का हत्या के बाद सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे, भारतवर्ष के आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया। आप जरा बताइए मोदी जी क्यों उत्साही हैं कि बार बार सरदार पटेल का गुणगान करना, ठीक है वो गुजराती मान लिया हमने, और कोई कारण होगा? और साथ साथ आप पंडित नेहरू का भी बदनाम, ये एक तरह से एक राजनीतिक एक एकेडमिक क्वेश्चन है, ये भी आप जरा बताइए। मेरा एक और देखिए, गुजराती के नाते मोदी जी को छोड़ दीजिए, एक गुजराती के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें उतने ही प्रिय हैं जितने वो आरएसएस को है और बीजेपी को है। और सरदार वल्लभ भाई का स्टैच्यू अगर बनता है तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन कहां बनना चाहिए उसके बारे में हमें सवाल है। हम आपको ये कहते हैं कि एवरीबॉडी नोज दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ नो पीपल हु आर नो ऑफ भाजपा की सरकार और आरएसएस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर कोई योगदान था कि नहीं, उसके बारे में लोगों को बहुत सवाल है। तो what have they done as far as independence of India is concerned? And everybody knows कि आज जो पार्टी सत्ता पे नहीं है, कांग्रेस का योगदान भारत की स्वतंत्रता की मूवमेंट में बहुत ज्यादा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक महत्व दे के जो देना चाहिए, लेकिन जो महत्व नरेंद्र भाई की ओर से, पार्टी की ओर से और आरएसएस की ओर से जो दिया जा रहा है, वो एक पॉलिटिकल गिमिक है। ये सरदार वल्लभ भाई को अपना बना के, जो कांग्रेस के थे, वो स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ ये पार्टी जिसका कोई रिश्ता शायद नहीं है, वो जुड़ना चाहती है। सो दे वांट टू रिलेट देमसेल्फ थ्रू सरदार पटेल विद द मूव इंडिपेंडेंस मूवमेंट, विद द स्वतंत्रता मूवमेंट वन, एंड आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद हिस्ट्री, knowing fully well that they don't have a history of participation in the independent struggle. ठीक है जी। एक दूसरी बात, they want to create an alternative
in the minds of the voters of the day that Sardar Vallabhbhai Patel was a victim of attention of Congress towards one family, that is the family of Jawaharlal Nehru, and he was far more relevant than the Jawaharlal Nehru. एक दूसरी बात है, ये कह के और बार बार कह के कांग्रेस का और जवाहरलाल नेहरू का जो रेलेवेंस है पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा के अंदर, दैट इज सॉट टू बी यू नो मिनिमाइज्ड एंड चेकमेटेड. तीसरी बात जो है कि आज जो गांधी परिवार के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है, क्योंकि जितना गांधी परिवार के खिलाफ वो बोलेंगे शायद वो सत्ता पे उतना ही टिके रहेंगे, ऐसी एक मान्यता है. तो गांधी परिवार की जो गांधी परिवार का जो के प्रति जो अटैक है, उस अटैक के अंदर वो नेहरू भी आ जाते हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज दैट यू नो दे वांट टू से दैट दीज आर कपल ऑफ बीट अ कश्मीर और सर्टन अदर इश्यूज, दीज इश्यूज यू नो विच यू नो आर major and blunders of Jawaharlal Nehru, to which the Sardar Patel did not agree, and by saying this they want to create a new sort of a philosophy based on incorrect interpretation of history so as to give a legitimacy to what they do today. इसलिए नया इतिहास और एक नई फिलॉसफी खड़ी करना चाहते हैं, जैसे ये यू नो ये आपके एक बंगाली मित्र हैं, उन्होंने भारत अवेकनिंग के बारे में किताब लिखी है, और सेंट स्टीफन में के आपके साथ पढ़े हुए हैं. आई फॉगॉट दैट जेंटलमैन हु वाज अ सोशलिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम एंड नाउ अ रैंक कैपिटलिस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, being a member of parliament from BJP in Rajya Sabha. I forgot his name. He is also Shapan Das Gupta. Shapan Das Gupta. Shapan Das Gupta ne Bharat Awakening mein jo naya philosophy diya hai, that is trying to give a theory and legitimacy to what BJP is doing today. Okay. Okay. I got you, sir. And they want to create a distance between Jawaharlal Nehru and Sardar Patel by saying that Nehru brought western concept of secularism in India, whereas Sardar Patel was a symbol of a Hindu concept of secularism which can be preached and practiced without affording undue regard to Muslims and the minorities in India. Okay sir. So my time is up. My last question, main jahan se shuru kiya wahi se hum wapas aa rahe hain. Gujarat, जो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर लोक संख्या जनसंख्या देखेंगे 9 स्थान में है, कोरोना वायरस का मरीज 2 नंबर से सेकेंड पोजीशन, भारतवर्ष का जो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये है कहां पे, आउट ऑफ 29 स्टेट्स 21 स्तर में है, 21st पोजीशन 19 राज्य में, इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यही है आपका गुजरात मॉडल. आपने विस्तार से बहुत सारे बात किया, अहमदाबाद में क्या हो रहा है, आपने मोदी और ट्रंप का मीटिंग के बारे में कहा, आपने सूरत के बारे में कहा, आपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में कहा, आपने प्रवासी मजदूर के बारे में कहा, आपने बहुत सारे भी स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात किया, आपने बुलेट ट्रेन के बात किया, इसके सारे जो आज हो रहे, जो अस्थिरता हो रहे, जो हलचल हो रहे, जो भारतवर्ष के इतिहास में और शायद विश्व के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा, इसका क्या राजनीतिक असर पड़ेगा आपका राज्य गुजरात में, और इस विषय के ऊपर आपका योर फाइनल रिमार्क्स एंड योर फाइनल कमेंट्स. आनंद याग्निक जी, गुजरात के विनाश की जो गाथा है वो अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए भविष्य में गुजरात का क्या होगा वो कहना शायद मेरे लिए अभी उतना उचित नहीं है. और जब तक गुजरात का विनाश चालू रहेगा विकास के नाम पे, और गुजरात में आप इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करके रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं एंड द सेम इज सॉट टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड डेवलपमेंटल स्कीम्स, लेकिन उसमें फर्क है. सो गुजरात मॉडल is a model of growth
which is based on exploitation of underprivileged, have-nots and subaltern. And therefore, जो developmental index हैं are bound to be different than the growth index that you have as far as the Gujarat is concerned. My first last answer is कि गुजरात के विनाश की गाथा चालू है, इसलिए आज के दिन में आने वाले गुजरात का क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। पहले विनाश को रोको, जैसे कोरोना को रोकने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसके बाद में मैं कह सकता हूं कि गुजरात के भविष्य का क्या होगा। धन्यवाद आनंद याग्निक जी, आपने विस्तार से बहुत सारे विषय के ऊपर न्यूज़क्लिक के दर्शक के लिए आपने विस्तार से बताया बहुत सारे विषय के ऊपर। हमारे जो इंटरव्यू है यहीं पे मैं खत्म करना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, और आप सब लोग न्यूज़क्लिक का दर्शक जितने आप हैं, आप देखते रहिए न्यूज़क्लिक। Thank you.